क्या नागिन बदला लेती है, क्या नाग नागिन की आंखों में कैमरा लगा होता है, आखिर कैसे नागिन बदला लेने के लिए किसी की शक्ल याद रखती है, किसी का पल पल का लाइव लोकेशन पता रखती है। इससे पहले कि आपके मन में कोई और सवाल आए, हम साफ कर दें कि कहानी नाग नागिन के बदले की नहीं बल्कि दशकों से चले आ रहे बेसिर पैर के किस्सों से जुड़ी है, जिसके बारे में फतेहपुर वाला विकास दावा कर रहा है। एक शख्स जिसे 7 बार सांप ने काटा, क्या इस कहानी पर भरोसा किया जा सकता है? अगर नहीं तो उस दावे का क्या? रिपोर्ट देखिए। सात बार काटा सांप, कैसे बच गए आप? सांप से विकास दुबे की दुश्मनी क्या? सांप सपना, साजिश और सच। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति को सांप ने 7 बार काटा है और फैमिली का ये दावा है कि सपने में सांप दिखा है और व्यक्ति ने बताया है कि 9 बार सांप उसे काटेगा और उसके बाद उसकी जान चली जाएगी। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि ये स्टोरी फिक्शनल ज्यादा लग रही है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जैसा सोचता है उसको वैसी चीजें आसपास दिखने लगती हैं। क्या मौत को मात देना इतना आसान है? जितना आसानी से विकास दुबे नाम का ये लड़का दावा कर रहा है। साहब ने मतलब पहले आवाज हुआ था जब तीसरी बार काटा था, तब सपने के रूप में आया था। तीसरी बार जब सांप 9 बार काटेगा, 9 बार में 6 बार अभी काट चुका है और 9वीं बार में बोला है कि अपने साथ हम तुमको ले जाएंगे, कोई भी शक्ति डॉक्टर कोई भी तुमको कुछ नहीं बचा सकते। जैसे हमारे बाई आँख फड़कने लगती है और अंदर से डर जैसा आभास होने लगता है कि आज के दिन ही काटेगा। अच्छा, आप सांप को देख पाते हैं? जब 3 बार देखा है, 3 बार नहीं देख पाए। विकास का दावा है कि सांप सपने में आया था और 9 बार काटने की बात कही थी, लेकिन विकास अपने दावों के बीच ये बताना भूल गया कि उसके सांप से दुश्मनी है क्या, क्योंकि लोग अब इस बात का शक करने लग गए हैं कि कहीं विकास दुबे सांप के नाम पर जहरीली शोहरत तो नहीं पाना चाहता। ये तो हैरान करने वाली बात है। और अब जैसे कि वो समझो बताता है शनिवार और संडे काटता है, शनिवार आ रहा है तो उससे तो हमको भी समझो अपना उस तरीके की बात लग रही, कहीं फिर ना काट ले। लेकिन समझो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो एक आदमी कहेगा अंधविश्वास है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ मैं इन चीज़ों पर बात नहीं करता। लेकिन यदि कोई पेशेंट आता है, कहीं उसके बाइट मार्क है कुछ है, तो हमारी वो सेवा बनती है कि हम उसको देख करके पढ़ाई। विकास का दावा है कि उसे सांप काटता है, परिवार वाले कहते हैं कि सांप दिखाई नहीं देता। विकास का दावा है कि सांप सपने में आया था। सवाल ये है कि फिर सपने से निकलकर सांप ने काटा कैसे? सब लोग 4 लोग इसको बराबर बैठे हुए थे कुर्सी डाले कि इसको देखना है, लेकिन इसने पहले ही बता दिया था कि मेरी बाईं आँख खड़क रही है। थोड़ी ही देर बाद एकदम चिल्लाया है कि चच्चू हमारे सर को काट लिया है। जो हमने देखा कि उसके हाथ में सर्प के निशान बने थे, तो हम इसको अस्पताल लेके आ रहे हैं। सांप दिखाई नहीं देता, सांप केवल विकास द्विवेदी जी को दिखाई देता है। इसके बाद 7 बार 7वीं बार आज फिर उनको वही समथिंग 8 बजे के रात में उनको सांप ने फिर से शिकार किया। विकास ने दावा किया कि सांप 9 बार उसे काटेगा, लेकिन उसने ये क्यों नहीं बताया कि सांप से दुश्मनी क्या है? हर बार अलग अलग लोकेशन पर सांप काटने का दावा किया गया। सवाल ये है कि सांप को उसका पता कैसे मिल जाता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब विकास के पास भी नहीं है।
डॉक्टर साहब ने बताया कि आप तीन बार जब काट चुका था तो डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि तुम कहीं अपना घर छोड़ के कहीं बाहर रहो जाके। तो हम अपने मौसी के यहाँ रहने गए थे, फिर भी वहाँ सांप ने हमको दोबारा से काट लिया। फिर इसके बाद में जब वहाँ से आए तो फिर चाचा के घर में रह रहे थे, वहाँ भी लास्ट बार सांप ने वहाँ भी काट लिया। अब सवाल ये है कि विकास दुबे के दावे तार्किक स्तर पर कहीं नहीं टिकते, तो क्या विकास के सर्पदंश वाली कहानी में कोई झोल है? मध्य प्रदेश में कुछ वक्त पहले ही ऐसे एक युवक ने बार बार सांप काटने का दावा किया था, लेकिन जब उस केस पर नजर रखी जाने लगी तब पता चला कि दावा करने वाला शख्स खुद ही पेन से सांप के काटने का निशान बनाता था। फतेहपुर वाले विकास द्विवेदी की कहानी भी कुछ ऐसे ही आशंका जताई जा रही है। विकास फिलहाल एक निजी अस्पताल के आईसीयू में है, क्योंकि सातवीं बार उसे सांप ने काटा है। डॉक्टर का कहना है कि अभी हालात चिंताजनक हैं और परिवार किसी अनहोनी की आशंका में डरे सहमे हैं। लगातार घट रही इस अकल्पनीय घटना से परिजनों में खौफ है। पीड़ित विकास को जब सांप ने छठवीं बार काटा था तो उसने ये दावा किया था कि तीसरी बार काटने के बाद उसे रात में सपना आया था जिसमें सांप ने उससे कहा था कि मैं तुझे 9 बार काटूंगा, 8 बारी तक तू बच जाएगा, 9वीं बार ना तो तुझे डॉक्टर, ना कोई तांत्रिक, ना कोई शक्ति बचा पाएगी, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। इस मामले में विकास के घर वालों ने प्रशासन से मामले की जांच की अपील की। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए 3 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई। डॉक्टरों की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। हमने कहा कि हमारे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं फतेहपुर में, सब में एंटीएसनेक वेनम प्रचुर मात्रा में है और डॉक्टर मिलेंगे 24 घंटे, लेकिन अब उनका वहीं क्यों जाते हैं, एक ही हॉस्पिटल में उनका इलाज होता है। मैंने इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बना दिया है, 2-3 दिन के अंदर जांच करके उसकी रिपोर्ट देंगे ताकि पता चले कि भाई कौन सा इलाज वो कर रहे हैं, हर बार उन्हीं को काटता है और उन्हीं उसी हॉस्पिटल में क्यों इलाज होता है। कितनी टीम गठित की गई है? एक टीम गठित की है मेडिकल बोर्ड की, 2 से 3 डॉक्टर रहेंगे। अगर सांप काटने का दावा झूठा तो एंटी वेनम डोज का असर क्या रहा होगा? अगर सचमुच सांप काट रहा है तो कई सवाल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल इलाज करने वाले निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछताछ होगी। अगर सांप ने काटा तो क्या इलाज किया गया, पूरे मामले की जांच के बाद डीएम को रिपोर्ट भेजी जाएगी। बहुत ही अनयूजुअल सी स्टोरी लगती है, उसमें मुझे लगता नहीं फैक्ट है, फिक्शन ज्यादा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई सांप एक ही व्यक्ति के पीछे बार बार पड़े, तो ये कहीं से भी हम रैशनली के सोचे तो पॉसिबल नहीं है। यूजुअली इस तरह के केसेस में देखते हैं कि किसी ना किसी तरीके का मानसिक रूप से दबाव होता है इस तरह के लोगों पे, उनके दिमाग में कुछ गलत धारणाएं होती हैं या अंधविश्वास होता है या कोई वहम होता है जिसकी वजह से उनका दिमाग कुछ चीज़ों को इमेजिन करता है। बट फिर भी बेहतर ये रहेगा कि जैसे उसका इलाज चल रहा है वो इलाज चलता रहे और उसका मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषण हो। सवाल ये भी है कि विकास अगर सच बोल रहा है, अगर सच में सांप ने उसे 7 बार काटा है तो ये केस विज्ञान को सीधी चुनौती है। अगर सांप काटने की घटना सच है तो क्या सांप के बदले वाली कहानी सच होती है? अगर विकास को सांप हर बार ढूंढ लेता है तो क्या सांपों के पास कोई दिव्य शक्ति होती है? अगर 9 बार सांप काटने का सपना दिखता है तो क्या विकास का सांपों की प्रजाति के कोई जाति दुश्मन है? हम ऐसा दावा नहीं करते, बल्कि विकास के दावों के सच होने की स्थिति को समझ रहे हैं। पुरानी कहानियों में नाग नागिन के बदले की कहानियां सबसे ज्यादा चर्चित रही हैं। ग्रामीण इलाकों में कई दशकों तक ये जो कहानियां हैं ये सच मानी जाती रही हैं और परोसी जाती रही हैं। लेकिन ये वो सच है जो एक काल्पनिक तौर से देखा या सुना गया है, लेकिन अब विकास दुबे के इन बयानों ने पुराने किस्सों को फिर से हवा दे दी है। बहरहाल विकास का दावा झूठा है या सांप के बदले की कहानी सच, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अब जांच के आदेश हो गए हैं। बेसब्री से इंतजार इस बात का है कि इस कहानी का कौन सा किरदार सच है और कौन सा भ्रम। झांसी से न्यूज 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट।